तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपके लिए निबंध लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 100% इस बार आएगा। ठीक है, कोरोना वायरस पे निबंध, कोविड-19। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका नाम कोविड-19 क्यों रखा गया। तो देखियो, कोविड का जो फुल नेम होता है वो कोरोना वायरस डिजीज़ मतलब कि होता है आपका रोग। ठीक है, वायरस तो आप जानते हैं, तो ये कोरोना वायरस एक तरह का रोग है। ठीक है, ये एक संक्रमण रोग है और ये 19 का मतलब है कि 2019 से ही ये इसकी जो प्रक्रिया है वो चालू, यानी फैलाव इसका चालू है। अब देखो, इसका वायरस पे निबंध कैसे लिखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में साथ ही साथ अच्छा मार्क्स के साथ और एक परफेक्ट जो तरीका उसके साथ हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना प्रस्तावना, इसके बाद कोरोना एक वायरस है जो चीन के वुहान से समाचार की दृष्टि से फैला है। यह वुहान में पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला है और देखते ही देखते यह वायरस ने लाखों लोगों की ज़िंदगी से खेलना शुरू कर दिया। यह 7 जनवरी 2020 चीन WHO को नए WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए वायरस कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दिया। इन्होंने 19 में फैला, लेकिन इन्होंने 7 जनवरी 2020 को WHO को, जो कि आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको इन्होंने जानकारी दी। यानी कि ये जो कोरोना वायरस है ये चीन के वुहान सिटी से फैला है। अब देखो, कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस एक संक्रमण रोग है, यानी एक तरह का महामारी है। ठीक है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने चपेट में ले ले रहा है, एक बहुत बड़े एरिया को अपने चपेट में ले रहा है, इसलिए इसको महामारी कहा गया। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेज़ी से, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कोरोना वायरस कैसे फैलता है इसके बारे में हमको जान लेना चाहिए। कोरोना वायरस संक्रमण मरीज के छींकने व खांसने से फैलता है। यह कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से तेज़ी से फैलता है। ठीक है, अगर आप कोई संक्रमित व्यक्ति, कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के पास जाते हो तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, अगर वह छींकता है, खांसता है। ठीक है, यह व्यक्ति के शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए दिए 14 दिनों तक सक्रिय रह सकता है। यानी कि 14 दिनों तक आपको कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा और ये आपके शरीर में एक्टिव रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख के बाद बात करेंगे कोरोना वायरस के लक्षण, यानी कि कोरोना होने के बाद आपके अंदर कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, सूखी खांसी आपको आएगी, तेज़ी से बुखार आ सकता है। ठीक है, सांस लेने में परेशानी होगी, गले में दर्द होगा, फेफड़ा कमज़ोर, किडनी फेल हो जाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी कि किडनी भी आपका इस बीमारी के कारण फेल हो जाता है, यानी काम करना बंद कर देता है, जिससे कि मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि कोरोना वायरस से किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं अपने आप को। देखो, कोरोना से बचाव के उपाय, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। यहाँ पे इन्होंने कुछ दिशा निर्देश जारी किया है। अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, ठीक है, साबुन के साथ अच्छी तरह से धोएं, खांसते व छींकते समय मुख को रुमाल से ढक लें, इससे कि संक्रमण जो होता है वो आपके रुमाल में ही रह जाएगा, दूसरे हवा में नहीं फैलेगा। और इसके साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपको मास्क, कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाइए तो इस समय मास्क को पहन कर जाइए। इसके साथ ही साथ चौथा लक्षण उन्होंने बताया कि कोरोना, इसके बचाव के उपाय बताएं, कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, यानी 2 गज की दूरी है ज़रूरी। इससे बचने के लिए आपको 2 गज की दूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है। ठीक है, अगर आपके पास सैनिटाइजर है तो आपको बार बार हाथों को सैनिटाइज करना है इस महामारी के घड़ी में। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में लॉकडाउन की पहली पहल, यानी कि भारत में लॉकडाउन की जो पहली पहल है वो कब हुआ। कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 21 मार्च को पूरे भारत में लॉकडाउन कर दिया गया था। दुकानें, स्कूल, होटल, दफ्तर आदि को बंद कर दिया गया ताकि इस महामारी से बचा जा सके। कोरोना वायरस की वैक्सीन की भी खोज हो चुकी है और कितने लोगों को डोज भी, उसके 2-2 डोज लग चुके हैं। तो वैक्सीन की खोज,
कोविड 19 से लड़ने के लिए हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर निरंतर रिसर्च में लगे रहे हैं। अनंतर डॉक्टरों एवं वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल किया, वे वैक्सीन बनाने में सफल रहे। इसमें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक संस्थाएं भी शामिल हैं। आज 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है, ठीक है। आज 1 करोड़ से क्या बहुत ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन को लगवा लिया है। इसके बाद इसकी उपसंहार देखेंगे। हेडिंग आपकी है उपसंहार। देखा जा रहा है जहां मरीज इलाज चल रहा है और मरीजों की संख्या में कमी आ रही है, वहीं अब तीसरी लहर ने भी अपना दस्तक दे रही है। वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सुनने में आ रहा है और अपना प्रकोप फैला रहा है। सभी लोग इससे बचकर रहे ताकि ये अपना प्रकोप न फैला सके। यानी कि आपको इस समय देखा जा रहा है कि मरीज ज़्यादा से ज़्यादा जो जा रहे हैं वो अच्छा होकर चले भी आ रहे हैं, लेकिन इसको हल्के में अभी नहीं लेना है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है, इसलिए आपको हर एक चीज़ को सुरक्षा में रखकर ही कहीं जाना है, ठीक है। इसके साथ साथ ही तीसरी लहर भी अपना दस्तक दे चुकी है और वायरस का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी सुनने में आ रहा है और अपना प्रकोप वो भी फैला रहा है। इसके प्रकोप को हमें रोकना है, इससे बचना है। तो इसके द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई जितनी भी जानकारी है, उपाय है, उसको मुझे अपनाना है, हम लोगों को अपनाना है, जिससे कि हमें इन सब वायरस से बचा जा सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।